नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। हिंदुस्तान टीवी टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ गांधी भवन में, जहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी की तरफ से आ रहा है। यानी हर दो साल में ये अपना प्रोग्राम करते हैं और ये दूसरी बार है जो इन्होंने अपना प्रोग्राम किया है। आप उधर आइए, उधर जाइए ना, फोटो आ जाए। संचालक मंडल के पास अपना नोट दर्ज कराएं और अपने हमारे लखनऊ के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई इसरा अली जी जो मंच पर जी, श्री इशरत अली जिलाध्यक्ष, समस्त कैंडिका रेडी और इस्लाम के कार्यकारियों का सम्मान कर रहे हैं, देश द्वारा का सम्मान कर रहे हैं, तालियां बजाकर आप लोग अभिनंदन करें। सुचारू रूप से चलाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। पश्चिमांचल अध्यक्ष रणवीर सिंह जी का भी सम्मान किया, सभी पदाधिकारियों का बेच लगाकर सम्मान कर रखे हैं। जिला अध्यक्ष लखनऊ किशोर अली साहब, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला है। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे। साथियों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कोने कोने से आए हुए मेरा कहने का है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और इस शहर के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते पूरे उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश वर्मा। महेश, जहाँ तक मुझे मालूम है कि निजीकरण जो है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही इसको किया जा रहा है, तो आपके जो संरक्षण हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से हैं, तो इससे क्या निजीकरण के आप खिलाफ हैं या समर्थन में? देखिए, निजीकरण है तो हम निजीकरण के खिलाफ हैं, संगठन निजीकरण के खिलाफ है, लेकिन उस संबंध में भी हमारी वार्ता हुई है तो उन्होंने बोला है कि हम प्रयासरत हैं और जहाँ तक है वहाँ तक निजीकरण पर रोक लगाई जाएगी। सर, निजीकरण पर रोक लगाने के आप लोगों का तो कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी वैसे ही जो है वो ठेकेदारी उस पर हैं और जितनी संविदा कर्मचारी जो भी होते हैं वो ठेकेदारी के उसके ऊपर होते हैं, तो क्या ठेकेदारी बंद कराई जाएगी? देखिए, अगर निजीकरण हो जाएगा तो कंपनी आएंगी और कंपनी आएंगी तो किसको क्या रखेगी, हमारा भी जो है शोषण होगा, दिक्कत होगी, तो इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि निजीकरण पर अगर रोक लगेगी, निजीकरण नहीं होगा तो जो भी कंपनियां अभी काम कर रही हैं, हमारे समय साथी काम कर रहे हैं, भविष्य में करते रहेंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है, बार बार हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराया, पहले भी अवगत कराया और फिर भी अवगत कराएंगे कि जो भी हमारा शोषण हो रहा है, जो भी हमारी समस्याएं हैं,
वेतन को लेकर, ईपीएफ को लेकर, ईएसआई को लेकर के जो भी समस्या हैं उसका हम निदान कराएंगे। सरकार से हमारी यही मांग है। सर, क्या ये जो निविदा संविदा जो है, क्या ये माननीय कौशल किशोर जी के किसी करीबी का जो है ये कंपनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके करीबी का कंपनी है। कंपनी तो जो भी जो टेंडर, वो इसलिए मैंने सवाल किया आपसे, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टेंडर पड़ते हैं, और जब टेंडर पड़ते हैं तो टेंडर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही टेंडर होता है जिले में, उठता ही। तो ऐसा नहीं है कि किसी करीबी हो, जो भी जिसकी छवि अच्छी होती है, जिस कंपनी की छवि अच्छी होती है, जो अच्छा कार्य करती है, उसका अच्छा फीडबैक होता है, उसको टेंडर मिलता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी नाम। संतोष तिवारी। संतोष तिवारी जी, क्या इसका जो भाई साहब ने अभी बोला, आप इससे पूरी तरीके से सहमत हैं? देखिए, जो भी भाई साहब ने जो बोला है निजी कार्ड के बारे में, आप जो बोल रहे थे कि कौशल किशोर जी के कोई सगे संबंधी हैं या वो नहीं है, इस प्रकार से कोई नहीं है। देखिए, हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी संघ के नाम से हमारा संगठन चल रहा है। हमारे वो संगठन के मुख्य संरक्षक जी बनाए गए हैं हमारे सभी साथियों के माध्यम के द्वारा, और उन्होंने हमें संरक्षक देते हुए भी अपना संरक्षक दिया है, क्योंकि जो भी हमारा जो पेमेंट मिल रहा था, जिसको तीन तीन महीने चार चार महीने में हमें पेमेंट नहीं मिल पाते थे कंपनियों के द्वारा, वो पेमेंट पर लगाम लगाई गई है। संरक्षक की जी के द्वारा हमें बहुत अथक प्रयासों के माध्यम से हमारे पेमेंट भी सही समय पर हो रहे हैं। ईएसआई के घोटाले हुए थे, वो भी सही हमारे दिया जा रहा है, ससमय दिया जा रहा है। भविष्य में भी हम संरक्षक जी के वही है आशा और अपित विश्वास भी है कि वो हमें न्याय दिलाते रहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि मैं उन पर विश्वास है आपका, मगर भाई वो तो सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, अगर वो नहीं दिला पाएंगे तो कौन दिला पाएगा? और उनके ऊपर विश्वास करना वो तो आपकी यूँ कह लिए मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर जो है सत्ताधारी पार्टी जिन्होंने खुद ही निजीकरण के बारे में जो जिस पार्टी ने आवाज़ उठाई है और उनके कई और भी नियम हैं, तो अगर वो पार्टी आपको जो है वो नहीं दिला पा रही है, आपको आपके जो है मांगों को पूरा नहीं कर पाएगी, तो कोई पार्टी नहीं कर पाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए सर, आप जो कह रहे हैं कि निजीकरण के लिए चल रही है प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं, तो जो प्रक्रियाओं पर रोक के लिए ही तो पार्टी को दोबारा बनाया गया, कि हमने जो सब उनके बारे में जो समर्थन दिया गया था पार्टी के लिए जो किया गया कि निजीकरण नहीं होने देंगे, तो यही है कि इसी के मांग पर हम दोबारा हमने पार्टी को उभारा है, और माननीय कौशल किशोर जी के माध्यम से सभी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के सभी साथियों ने सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और हमारा पूर्ण हमने आपको बता दिया कि पूर्ण विश्वास अपित हमें पूर्ण विश्वास है कि वो निजीकरण के तरफ नहीं जाने देंगे। एक बात और है कि निजीकरण जो है वो पेट्रोल का भी हुआ है, आपने सुना होगा कि पेट्रोल पंप जो है कंपनियाँ जो हैं वो इस समय जो है वो डिसाइड करती हैं कि रेट बढ़ाना है या घटाना है, तो निजीकरण से फिर आगे जो आम जनता है उसको तो नुकसान होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जब ये डिसाइड करेंगी, ये जो निजीकरण हो जाएगा तो जो कंपनियां लेंगी वही डिसाइड करेंगी कि अब हमें बिजली की दरें बढ़ाना है या घटाना है। देखिए सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है, जो कि जीएसटी के माध्यम से जो भी उसमें बजट में जो पेट्रोल पंपों के आप रेट बता रहे हैं वो विश्व स्तरीय रेट हैं। इसी प्रकार से यदि मजदूरी में हमारे यदि निजीकरण हो जाता है तो ये विघटन होगा। आपने कहा कि पेट्रोल रेट जो है वो विश्व स्तरीय है। विश्व स्तरीय है इस वजह से है कि भारत में अपने पेट्रोल का आयात नहीं है। जी, हम खरीद रहे हैं दूसरी जगह से। जी, तो इस वजह से हम जब विदेशों से खरीद रहे हैं, विदेशों से जो भी अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस पर भी बहुत कुछ ऐसे हैं कि हमें जब बहुत हानि हो रही है, जो पेट्रोल हम या खनिज पदार्थ जो लेते थे उन पर भी जो हानियाँ हो रही हैं, तो उन हानियों के लिए भरपाई किससे होगी? दामों को बढ़ा करके होगी, जब कम मात्रा में आएगा तो दाम उचित दाम बढ़ाए जाएंगे। सर, आपको मालूम नहीं, हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने इस समय ऐसे समय में जो है वो अमेरिका को किनारे रख के रूस से गले मिल लिए हैं, और रूस जो है वो 12% विश्व का 12% जो है उसने सप्लायर है वो ऑयल का, और इस समय जो है वो उसके ऊपर सारे चारों तरफ से बैंड लग गए हैं, तो इसलिए उसके जो रेट हैं वो सबसे कम होंगे, तो हमारे देश को हमें लगता है कि तेल और सस्ते में मिलेगा। तो ये तो सर आगामी में जैसे जो चल रहा है ना, तो उसके माध्यम से अधिक जानकारी हमारे न होने के कारण आप ये मान लीजिए कि हमें अधिक जानकारी नहीं है। ये थी हमारे संवाददाता हामिद खान की रिपोर्ट लखनऊ के गांधी भवन से। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे। नमस्कार।